अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन विथ रोटी विथ ओवन बेक की रेसिपी बताएंगे। एक बंच हरा धनिया कटा हुआ, एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 30 ग्राम मोजरेला चीज बारीक कटा हुआ, चिकन 250 ग्राम, ऑलिव 20 ग्राम बारीक काट लेंगे, एक टीस्पून ऑर्गेनो ऑलिव, एक टीस्पून लहसुन पेस्ट, एक टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च पेस्ट, एक टीस्पून काली मिर्च, नमक हसबे जायका और रोटी ले लेंगे हम लोग हाफ कुक्ड। पहले हम चिकन को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 ग्लास पानी डालकर, अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल चुके हैं, अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे पानी खुश्क होने तक। अब हमने 3 टेबलस्पून जितना तेल लिया है और गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे। आंच को धीमी रखना है। अब हरी मिर्च डालें। चिकन डाल दो। चिकन को श्रेडेड कर दिया हमने बॉईल करके। अब इसमें काली मिर्च भी डाल दें और नमक भी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें हम ऑलिव डालेंगे। ऑरेगानो लीव्स और हरा धनिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आखिर में चीज डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चीज पिघल जाए। इस चीज को पूरा पिघलाना है। ये चिकन भी तैयार हो गई है, मोजरेला चीज भी सही पिघल गया है। अब हम इसको फिल करेंगे। इसमें ब्रेड के 4 टुकड़े कर लें। अब इस तरह हम सब रोटी में ये फिल कर देंगे। इस तरह सारे हम फिल कर देंगे रोटी में। अब ये तैयार हो चुका है। अगर आपको ज्यादा बनाने हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स डबल कर लीजिएगा।
ओवन को 250 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट कर लें। अब आप इसको ओवन में रख के 15 से 20 मिनट तक रखें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब ये तैयार हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।